उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सिरसी क्षेत्र में यूनिट चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में देश विख्यात साहित्यकार मौजूद रहे, जिन्होंने एकेडमी के बच्चों को उर्दू भाषा में अदब का पाठ पढ़ाया और मुशायरा पढ़ माहौल में खूबसूरत बनाया। सेमिनार में यूनिट चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नात पढ़कर सेमिनार में चार चांद लगाए। हमारे तमाम ही मेहमान हजरात आज एक बेहतरीन सेमिनार में आप लोगों ने जो अपना कीमती वक्त दिया, मैं यूनिटी चिल्ड्रन एकेडमी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी मेहमान हजरात का, दूर दराज से आए हुए हजरात का और अपने तमाम सामईन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच जनाब दीपक कौशल साहब और जनाब मोहतरमा आलिता मैडम ने बच्चों की फीस के लिए ऐलान किया, मैं इनका भी ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ यूनिटी चिल्ड्रन एकेडमी आज भी 40 बच्चों को अपने हिसाब से फ्री एजुकेशन दे रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल बाल भवन से हम लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ जब बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस होती है तो बच्चों के अदब पे बात होती है। आज ये बच्चों के अदब पे जो सेमिनार हुआ, मैं इस सेमिनार में के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें तहसीब भी दी जाए। और बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हमारे जो मोहतरम लोग हजरात हैं, जो हमारे पहले अफसाना निगार हैं या हमारे पहले अदीब हैं, शायर हैं, जिनमें डॉक्टर खुशहाल जैदी का नाम सर फहरिस्त है, उन्होंने बहुत काम किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों का सिलेबस ऐसा हो, अगर पढ़ाई में हो, कि अली से अल्लाह को पहचान, वैसे बड़ों का कहना मान, जैसे तोबा कर इंसान, सैसे साबित रखी मान, जीन से जन्नत, सैसे खराब दाल से दीन इस्लाम की बात, इस तरीके का अगर हम सिलेबस बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे यकीनन तरक्की की राह में गामजन होंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शुक्रिया और सभी आज़ाद।